नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या लाइसेंस बनवाते हैं, वो बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि सर, हमें एक बात बता दीजिए कि हम नए आदमी हैं और नया लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो इसके लिए अब हमें टेंडर जब हम भरेंगे तो वो टेंडर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम इस पे थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये टेंडर भरना है तो किस तरीके से भरें, क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम टेंडर भरना चाहते हैं तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है। पहला पॉइंट, दो आदमी होते हैं टेंडर भरने वाले, या चार हो सकते हैं या दस हो सकते हैं, ये आप भूल जाइए कि कितने आदमी भरेंगे। आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जब टेंडर भरना है तो आपको टेंडर जीतना है। अब टेंडर जीतने के लिए हमें करना क्या होगा? तो दोस्तों, इस बात को आप, मैं एक साधारण और अच्छे तरीके से इस बात को समझा रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जो भी टेंडर आपका निकला है उसका BOQ ध्यान से पढ़ें, और BOQ को इस तरीके से एक एक चीज आप समझें कि इसमें कितना काम है और कौन से तरीके से आपको ये काम करना है, कैसा काम होगा, ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले जब आप टेंडर निकलता है उस टेंडर का BOQ चेक करें, और BOQ चेक करने के बाद में आप क्या करें, सबसे पहले साइट विजिट करें, और साइट विजिट पर जा कर के वहाँ पे ये चीज़ देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। जैसे आपको पानी कहाँ से आएगा, लाइट पॉइंट वहां पर है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये चीजें आपको देखनी है, क्योंकि ये BOQ के अंदर आपका सारा कुछ इंक्लूड होता है। ध्यान देना दोस्तों इन बातों पर, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके, चाहे हो सकता है मेरे में बोलने की शायद कम, मतलब मेरे अंदर कला ना हो, लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूँ उनको विशेष ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद में आप वहां जाके, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, कितना काम है, ऊपर का काम है या नीचे का काम है, क्या होता है साइडों पे, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे साइड पे पहुंच गए, हो सकता है आपका 2 मंजिल के ऊपर काम हो सकता है आपका 3 मंजिल के ऊपर काम हो सकता है आपका बाहर का काम हो, जहाँ पे पेड़ लगानी पड़ती है, और बहुत सारी चीजें हैं। माल मेटल ऊपर चढ़ाने का खर्चा आपका कितना होता है, माल मेटल नीचे उतारने का खर्चा, और लेबर लाना ले जाना, मेटल का कितना महंगा है, मेटल का कार्टेज जोड़ें, मेटल कितने का आ रहा है कि उसमें कितना कार्टेज लग रहा है, मेटल ऊपर चढ़ाने का जो कार्टेज लग रहा है, लेबर जितनी भी लग रही है, आप उन चीज़ों को बारीकी से समझें, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो मैं कहता हूँ आपको टेंडर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़ विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कन्फ्यूज कर लेते हैं अपने आप को कि अरे यार, ये टेंडर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए वो ज़्यादा बिलों में डाल देते हैं। और बिलों में डालने का मतलब खुद को उसमें घाटा जाने का सौदा हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता। लेकिन जो लोग होते हैं उनको पता है इसके अंदर इतना काम होगा, इतना काम नहीं होगा, इतना इसमें बचत है, इतना बचत नहीं है, तो वो लोग कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। कभी भी अपने जो टेंडर होगा उसको कभी भी उसके अंडरग्राउंड में, नीचे में नहीं ले जाएंगे। कहते हैं ना लोग बिलों में डाल दिया, ज़्यादातर लोग बिलों में डालने की आपको कहानी है। ये बिलों में क्यों डाल देते हैं लोग, क्योंकि सुना होता है वहां से उन्होंने 40% डाउन कर दिया था, वहां ने 2% नीचे बिलो कर दिया था, उन्होंने 5% बिलो कर दिया, उन्होंने 10% बिलो कर दिया, अरे क्यों कर दिया बिलो। इस तरीके से आप समझे, पहले सबसे पहले इस बात को समझे कि आपको पूरा काम का प्रोसेस आना चाहिए, और ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपको काम की नॉलेज होगी। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि सर, हमें तो इसका पता ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ पता नहीं है तो ये काम ना करें, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों आपको इस चीज में आप नुकसान उठा जाओगे। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि आप ये काम करें, पहले आप अपना पूरा जो मन है उसको बनाएं, और उसके बाद में पहले अपना एक्सपीरियंस करें इस चीज का। आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आपको काम का एक्सपीरियंस नहीं होगा, खुद काम नहीं करते हो, तब तक आपको इन चीजों का पता नहीं लगेगा, और जब तक इन चीजों का पता नहीं लगेगा
तब तक आप इन काम को नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर इस काम को करोगे, जल्दीबाजी में करोगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मेरा मकसद आपको किसी को डिमोट करना या फिर मोटिवेट करना ज़्यादा नहीं करता मैं, क्योंकि जो चीज़ें प्रैक्टिकल है, जो चीज़ है वो है। अब मैं कहता हूँ आपकी मत करो तो आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके से ज़रूर काम करें, बातों को ज़रूर सुनें, बातों के आधार पर थोड़ा सा ज्ञान, मतलब खुद अपना प्रैक्टिकली नॉलेज होता है उसके आधार पर काम करें। तो दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ों के लिए PWD से संबंधित और प्राइवेट ठेकेदारी से संबंधित मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो। लेकिन फ़ोन पे बात करने से पहले आप एक कमेंट ज़रूर कर दें, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो आपका कमेंट का जवाब फ़ोन पे ज़रूर मिल जाएगा। और दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सर ये वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग क्या करें कि सबसे पहले जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो के लास्ट में जब एक वो आता है लास्ट पॉइंट में, वहाँ पे एक सिविल वर्क लिखा होता है, उसके अंदर मेरे टोटल वीडियोज आपको उसके अंदर मिल जाएगा। उसके अंदर उन सारे वीडियो को प्लेलिस्ट है, वो उसके अंदर जाओगे तो सारी पूरी वीडियो जितने भी है अब तक मैंने डाली है, कम से कम 150 से 200 वीडियो होने वाली है शायद, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं देख सकूं। तो आप उनमें जाके सारी एक ही सीटी जाके देख सकते हैं और अपने आप को और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।